हेलो गाइस, कैसे हो सभी आप। गाइस आज मैं आपको फिरोजपुर कैंटर शामनी का ओवरव्यू करवाऊंगा, जो कि अपना फिरोजपुर है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप इधर से भी देख सकते हैं दोस्तों, ये अपना लुधियाना रूट पर आखिरी स्टेशन आता है फिरोजपुर कैंट, और इससे आगे दोस्तों वहाँ पर अपना फिरोजपुर सिटी आ जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप आउटर का व्यू देख सकते हैं फिरोजपुर। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस स्टेशन का ओवरव्यू करवाता हूँ। आप स्टेशन का बोर्ड देख सकते हैं दोस्तों, और आप देख सकते हैं दोस्तों वो सामने WDP 4D लोकोमोटिव आ रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप इधर से भी देख सकते हैं बोर्ड फिरोजपुर कैंट। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ओवरव्यू करवाता हूँ इस स्टेशन का। और दोस्तों ये सामने आप देख सकते हैं, ये ट्रेन खड़ी है 14629 सतलुज एक्सप्रेस चंडीगढ़ फिरोजपुर। इस ट्रेन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। इस ट्रेन का भी इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं दोस्तों, फिरोजपुर कैंट जंक्शन। दोस्तों अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर चल रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आप इधर से भी देख सकते हैं फिरोजपुर कैंट। दोस्तों अब मैं आपको इस ट्रैक के बारे में बताऊंगा। आप देख सकते हैं इस रेलवे स्टेशन एक तो बठिंडा की ओर जाता है दोस्तों, एक अपना लुइया खास जाता है वाया मखू होकर कपूरथला जलंधर सिटी को जाता है। जो दोस्तों अपना तीसरा वाला है वो आपको बठिंडा जाता है वाया फरीदकोट गौनेयाने वाला होकर। आप देख सकते हैं दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 5, आप देख सकते हैं दोस्तों ये अपना प्लेटफॉर्म नंबर 5 है। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था, इस ट्रेन की मैंने वीडियो बनाई हुई है सतलुज एक्सप्रेस, आप देख सकते हैं दोस्तों, आप इधर से भी दोस्तों देख सकते हैं WDP 4D लोकोमोटिव है। और दोस्तों ये अपना प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, आप सामने देख सकते हैं, साथ ही में प्लेटफॉर्म नंबर 5 है वो तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया है। दोस्तों आप इधर से भी देख सकते हैं। चलिए फिर दोस्तों मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लेकर चलता हूँ, आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 अच्छी तरह से देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगा इस फिरोजपुर कैंट रेलवे जंक्शन का, आप देख सकते हैं। और दोस्तों आप इधर से देख सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। चलिए दोस्तों पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ, जहाँ फ्रंट का व्यू देख सकते हैं फिरोजपुर कैंट। और चलिए दोस्तों फिर आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ, और टिकट का रजिस्ट्रेशन का वेटिंग हॉल भी आपको मैं दिखाऊंगा। पहले आप इधर से व्यू देख सकते हैं, और दोस्तों आप इधर से भी देख सकते हैं, और अच्छा अपना लिस्ट लगी हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं इधर से भी आप। और सो दोस्तों आप देख सकते हैं फिरोजपुर कैंट, आप देख सकते हैं ये आपको मैं बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं ये अपना लोकोमोटिव है ZDM3 लोकोमोटिव है दोस्तों, आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। जी आप सामने देख सकते हैं, जी अपना कार मोटरसाइकिल स्कूटर स्टैंड है, यहाँ से यहाँ हम पार्किंग कर सकते हैं दोस्तों। जी आप देख सकते हैं बाहर का व्यू है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इस स्टेशन का टिकट घर दिखा देता हूँ, बाहर का व्यू तो दोस्तों आपने देख लिया होगा, आप देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों अब मैं आपको स्टेशन का टिकट घर दिखा देता हूँ फिरोजपुर कैंट। और सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से हम टिकट घर और बुकिंग ऑफिस है, आप देख सकते हैं यहाँ से हम टिकट बाय कर सकते हैं। आप इधर से भी व्यू देख सकते हैं दोस्तों फिरोजपुर कैंट, वो सामने दोस्तों आप देख सकते हैं वो सामने ATP मशीन लगी हुई है, आप देख सकते हैं दोस्तों, जब पढ़ सकते हैं लिस्ट लगी हुई है। और अब यहाँ से भी देख सकते हैं दोस्तों। चलिए फिर दोस्तों फिर मैं आपको प्लेटफॉर्म भी दिखा देता हूँ, 1 प्लेटफॉर्म 2 तो 5 मैंने प्लेटफॉर्म दोस्तों आपको दिखा दिया है, आप देख सकते हैं दोस्तों, आप इधर अच्छी तरह से व्यू देख सकते हैं फिरोजपुर कैंट।
चलिए फिर दोस्तों, मैं आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लेकर चलता हूँ। और दोस्तों ये देख सकते हैं, ये अपना वेटिंग हॉल है, यहाँ पर हम बैठकर हम ट्रेनों की प्रतीक्षा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप इधर से भी देख सकते हैं, यह फुट ओवर ब्रिज है, मैं आपको ब्रिज से भी ओवरव्यू दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं दोस्तों। आप इधर से भी देख सकते हैं फिरोजपुर कैंट, और दोस्तों अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों जी अपना प्लेटफॉर्म नंबर 1 है फिरोजपुर। जो दोस्तों जो और अपना फिरोजपुर लुधियाना में रूट आते हैं उन सब मैंने काफ़ी रेलवे स्टेशन का ओवरव्यू किया हुआ है, जैसा कि दोस्तों अपना मॉडल ग्राम, बद्दोवाल, चौंकीमान, मुल्लांपुर, जगराऊं, मोगा, तलवंडी और फिरोजपुर का दोस्तों मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आप इधर से भी देख सकते हैं फिरोजपुर कैंट। चलिए दोस्तों अब मैं आपको एंड पर लेकर चलता हूँ, आपने प्लेटफॉर्म पर तो आपने देख लिया होगा, आप देख सकते हैं। और आप इधर से भी देख सकते हैं दोस्तों। और चलिए दोस्तों अब मैं आपको एंड पर लेकर चलता हूँ, और दोस्तों आप देख सकते हैं फिरोजपुर सुरक्षा बल, फिरोजपुर छावनी। और दोस्तों जो मेरे पीछे धनबाद फिरोजपुर जा रही है, आप इधर से देख सकते हैं। और सो देख सकते हैं दोस्तों, मैं अपना बोर्ड की तरफ बढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये अपना फिरोजपुर बठिंडा पैसेंजर ट्रेन है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और सो दोस्तों देख सकते हैं WDP 4D लोकोमोटिव खड़ा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अब मैं आपको जो अपना बठिंडा को ट्रैक जाता है, मैं आपको वहां पर भी लेकर चलूंगा, आप देख सकते हैं दोस्तों। बोर्ड देख सकते हैं दोस्तों आप। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, धनबाद फिरोजपुर जा रही है दोस्तों। और जब बोर्ड देख सकते हैं स्टेशन का दोस्तों, फिरोजपुर कैंट। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इस स्टेशन के रूट के बारे में बता देता हूं, और आप इधर से भी देख सकते हैं दोस्तों। WDM 3 लोकोमोटिव लुधियाने शेड का है दोस्तों, और आप इधर से भी देख सकते हैं। चलिए फिर दोस्तों अब मैं आपको इस रूट के बारे में बता देता हूँ, जो अपना बठिंडा और लोहिया खास को जाता है, जलंधर कैंट वाया, और आप इधर से भी देख सकते हैं दोस्तों फिरोजपुर कैंट। उस दोस्तों भी मैं ट्रैक पर आ चुका हूँ दोस्तों, जिस पर मैं जूम कर रहा हूँ, ये अपना बठिंडा को जाता है फरीदकोट गोनियाना होकर वाया, आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं आपको ट्रैक पर, अभी मैं स्टेशन के बहुत दूर हूँ, आप इधर से भी व्यू देख सकते हैं फिरोजपुर कैंट जंक्शन का दोस्तों। जी जिस ट्रैक पर जे अपना, मैं आपको उधर से भी बताऊँगा दोस्तों, वहाँ पर अपना लोहिया खास को जाता है, उसके साथ ही अपना लुधियाना जंक्शन को जाता है, आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं आपको वहाँ पर भी लेकर चलूँगा। और दोस्तों जिस ट्रैक पर मैं अपनी खड़ा हूँ, ये वाला ट्रैक अपना जलंधर कैंट को जाता है वाया लोहिया खास कपूरथला होकर, जो आप जे सामने ये वाला ट्रैक देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला ट्रैक अपना लुधियाना जंक्शन को जाता है। चलिए दोस्तों एक प्लेटफॉर्म और फुट ओवर ब्रिज से व्यू दिखाने के लिए रह गया था, मैं आपको उधर से भी दिखा देता हूं, और आप इधर से अच्छी तरह देख सकते हैं दोस्तों सामने WDP 4D धनबाद फिरोजपुर, आप देख सकते हैं दोस्तों। और चलिए दोस्तों मैं आपको वहां पर भी लेकर चलता हूं, और अपने रूट तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया था, आप देख सकते हैं। और गाइस मैं प्लेटफॉर्म नंबर, आप देख सकते हैं अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर आ चुका हूँ, जो अपना प्लेटफॉर्म नंबर 3 है दोस्तों, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। वो सामने आप दोस्तों लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4। और दोस्तों मैंने अब स्टेशन का A to Z आपको व्यू दिखा दिया है, चलिए दोस्तों अब मैं आपको फुट ओवर ब्रिज से भी ओवरव्यू दिखा देता हूं, और फिर मैं ये ओवरव्यू बंद कर दूंगा, आप देख सकते हैं दोस्तों फिरोजपुर कैंट। चलिए दोस्तों अब मैं आपको फुट ओवर ब्रिज से भी व्यू दिखा देता हूँ इस स्टेशन का, और
और दोस्तों जी आप प्लेटफॉर्म नंबर 4 से व्यू देख सकते हैं, ये अपना जलंधर फिरोजपुर DMU ट्रेन खड़ी हुई है, आप इधर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों फुट ओवर ब्रिज पर चलते हैं अब। और गाइस जी आप व्यू देख सकते हैं, ये अपना टॉप का व्यू है फिरोजपुर कैंट जंक्शन का, आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और आप इधर से भी देख सकते हैं दोस्तों फिरोजपुर कैंट। चलिए दोस्तों अब मैं इसके आज ये वीडियो यहीं पर बंद करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इसी तरह और वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू। और दोस्तों मैंने आपको फुट ओवर ब्रिज से भी ओवरव्यू दिखा दिया था, आप इधर से देख सकते हैं दोस्तों, अपना इधर से व्यू दिखाने के लिए रह गया था फिरोजपुर कैंट का, आप देख सकते हैं दोस्तों जो अपना लोकोमोटिव है WDG4D लोकोमोटिव है दोस्तों, वो देख सकते हैं दोस्तों, वो अपना शताब्दी का डिब्बा खड़ा हुआ है आप देख सकते हैं दोस्तों, और जो अपना जनरेटर कार है, और आप इधर से व्यू अच्छी तरह से देख सकते हैं दोस्तों, अपनी साइड से रह गया था व्यू दिखाने के लिए रह गया, जब प्लेटफॉर्म नंबर 4 है दोस्तों आप देख सकते हैं, और आप इधर से भी देख सकते हैं दोस्तों, और मैं आपको जूम कर दिखा रहा हूँ दोस्तों। चलिए फिर दोस्तों मैं आपको एंड पर लेकर चलता हूँ, और इधर से तो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ A to Z व्यू दिखा दिया है फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन का, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 के एंड के बोर्ड पर लेकर चलता हूँ, और मैं वो सामने देख सकते हैं दोस्तों WDM3 लोकोमोटिव खड़ा हुआ है लुधियानी शेड का, आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी अपना ट्रेन अब चल पड़ी है, आप देख सकते हैं दोस्तों, इस ट्रेन का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 1212329123630 पर मैंने दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको सब कुछ इस स्टेशन के व्यू दिखा दिया है, स्टेशन का सब कुछ आप देख सकते हैं दोस्तों, और जी आपके लिए मैं लेटेस्ट वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों फिरोजपुर कैंट का, आप यूट्यूब पर सर्च कर देख लेना, आपको ये लेटेस्ट वीडियो नहीं मिलेगी, आप देख सकते हैं दोस्तों। और जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था WDM3 लोकोमोटिव, आप देख सकते हैं लुधियानी शेड का है दोस्तों ये। दोस्तों मैंने वहाँ से ये ओवरव्यू स्टार्ट किया था, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों, और ये बोर्ड है अपना। दोस्तों ये बोर्ड देख सकते हैं फिरोजपुर कैंट, और दोस्तों मैं इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर बंद करता हूँ, उम्मीद करता हूँ जो वीडियो आपको पसंद आएगा और इसी की तरह और वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।